रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भरता लाने के लिए मेक इन इंडिया को बल देना बहुत आवश्यक है और पिछले 3 वर्षों में बहुत सारे क्षेत्रों में भारत में इस दिशा में कदम उठाए गए और रक्षा उत्पाद के लिए मेक इन इंडिया को बल देना और आत्मनिर्भरता लाना इस दिशा में कदम है। वेपन्स की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा, प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा और उन पर बैन लगाया जाएगा इंपोर्ट के लिए। हर साल इसके लिए अलग अलग टाइमलाइंस आती जाएंगी ताकि वर्ष प्रति वर्ष भारत में हथियारों का उत्पादन यहीं पर हो और हम विदेशों पर कम निर्भर रहें, उस दिशा में एक कदम है। जो पुर्जे भी हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं उसमें भी कमी लाने के लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर हो, भारतीय कंपनियों में उनका निर्माण हो, यहीं पर भारत में हो। और यही नहीं, इसके लिए सेपरेट बजट का प्रावधान भी किया जाएगा जो डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट है उसके लिए। और इससे हमारे डिफेंस इंपोर्ट बिल में भी एक भारी कटौती होगी, लेकिन जिसका सीधा लाभ भारत में बनाने वाली उन कंपनियों को मिलेगा जो हिंदुस्तान के सैन्य की एक आपूर्ति करेंगी। और इसी दिशा में ऑटोनॉमी लाने के लिए और ज़्यादा जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए और कामकाज में एफिशिएंसी लाने के लिए ऑर्डिनेंस सप्लाईज जो हैं, जो हमारी कॉरपोरेशन हैं, जो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उनका कॉरपोरेटाइजेशन यानी कि निगमीकरण करने की हम बात कर रहे हैं। और निगमीकरण और निजीकरण में बहुत अंतर है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा ताकि उनके कामकाज में और सुधार हो, बेहतर प्रोडक्ट बन सकें, सेना को और अच्छे हथियार मिल सकें, दुनिया भर के देशों पर हमारी निर्भरता कम हो, हिंदुस्तान के अंदर और रोज़गार पैदा हो सके, कंपनियों को लिस्टिंग कराकर उनकी भी क्षमता बढ़ाने का काम किया जा सके, कुल मिलाकर पारदर्शिता और बेहतर प्रदर्शन की ओर हम आगे बढ़ सकें, इसलिए निगमीकरण करना बहुत आवश्यक है। इसलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा। और दूसरा रिफॉर्म्स, जहां FDI लिमिट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, वो स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 49% से बढ़ाकर 74% कर दी जाएगी। यानी कि ऑटोमेटिक डिफेंस रूट, ऑटोमेटिक FDI का जो रूट है उसके लिए 49% से 74% उसको कर दिया जाएगा लिमिट को। और टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हमारा हो इसके लिए त्वरित फैसले लेने का भी काम किया जाएगा। अनुबंध प्रबंधन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा। और जो GSQRs हैं वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स की, उसको भी व्यवहारिक बनाने का काम किया जाएगा। और जो हमारे प्रशिक्षण की प्रक्रियाएं हैं जिसमें बहुत लंबा समय कई बार वर्षों तक लग जाते हैं, उसका जीर्णोद्धार भी किया जाएगा ताकि उसमें कम समय लगे और जल्दी प्रोक्योरमेंट करने का, ताकि टेस्टिंग समय पर हो जाए, ट्रायल्स हो जाए और हम समय पर उनका ऑर्डर कर सकें।